Hi everyone, so today's topic of discussion is speed drug concept. If you are new to my channel, do subscribe to my channel so that you can keep yourself updated. So let's get started with today's video. तो आज का टॉपिक है पी ड्रग कंसेप्ट. तो अब पी ड्रग कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऑफन ड्रग्स होते हैं, जो डिफरेंट नॉर्मल ड्रग के डेफिनेशन हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. उसके बाद हमने ये बोला कि जो ड्रग्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगराइजेशन में आ जाते हैं. जैसे कुछ हो सकते हैं असेंशियल ड्रग्स हो जाएंगे, फिर कुछ हो जाएंगे कि पी ड्रग बोल देते हैं हम उसको, या कुछ ड्रग्स ऐसे हो जाते हैं जिनको ऑर्फन ड्रग्स बोल देते हैं. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स. तो आज का जो हमारा बेसिक डिस्कशन रहेगा वो पी ड्रग पे रहेगा. तो पहले समझ लेते हैं कि पी ड्रग क्या होता है. पी ड्रग होता है कि पर्सनल ड्रग या फिर प्रेफर्ड ड्रग. अब ये पर्सनल मतलब मेरी पर्सनल, तुम्हारी पर्सनल नहीं, ये मेरी तुम्हारी पर्सनल नहीं है, ये डॉक्टर की पर्सनल ड्रग है जो तुमको डॉक्टर ट्रीट करने वाला है, या जो भी फिजिशियन या क्लिनिशियन तुमको देखने वाला है वो एक अपनी डायरी मेंटेन करता है. उस बुक के अंदर वो, या उस नोटबुक के अंदर वो कुछ ऐसे ड्रग्स लिख लेता है जो उसने कुछ सालों में सीखे हैं. अब ऐसे नॉर्मल, इसको ऐसे समझ लो, ये ज़रूरी नहीं है कि पी ड्रग कोई भी ड्रग हो सकता है. हर डॉक्टर का एक अपना पी ड्रग हो सकता है, तभी हमने उसको पर्सनल ड्रग या फिर प्रेफर्ड ड्रग का नाम दिए. अब वो ऐसा क्यों करता है कि हर डॉक्टर को अपना प्रेफर्ड ड्रग क्यों चाहिए? क्योंकि हर लोकेशन पर, हर स्टेट टू स्टेट डिजीज़ वैरी करती हैं, सिटी टू सिटी भी वैरी करती हैं. कुछ जगह पे कुछ डिजीज़ ज़्यादा होंगी, कुछ एरियाज़ में नहीं होंगी. जैसे कि अगर हम बिहार की बात लें तो वहाँ पर झारखंड, बिहार ऐसी जगह पे काला आजार के केसेस ज़्यादा हैं, जबकि हम नॉर्थ साइड में आ जाएं इंडिया के तो वहाँ पर ऐसे केसेस नहीं हैं. और कंट्री टू कंट्री भी और डिजीज़ वैरी करती हैं. तो अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट डिजीज़ हैं, तो जो डॉक्टर्स डिफरेंट जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो वहाँ के ड्रग्स सीखते हैं, वहाँ के डिजीज़ सीखते हैं, तो उसके बारे में उनको अपना पर्सनलाइज ड्रग बना लेते हैं वो. अब उस पर्सनल ड्रग का वो किस बेसिस पे बनाते हैं? वो इस चीज़ पे बनाते हैं कि उसका डोजेज कौन सा है, वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये एक लिस्ट पूरी, एफिकेसी कितनी है, कॉस्ट कितना रहेगा उस ड्रग का, उस चीज़ पे डिपेंड करके वो एक अपना पर्सनल ड्रग की डायरी बना लेते हैं. ठीक है, कि पी ड्रग्स आर द ड्रग्स वन चूजेस फॉर प्रिस्क्राइबिंग रेगुलरली एंड विद विच वन बिकम्स फेमिलियर. सच अ लिस्ट वुड स्पेयर द फिजिशियन रिपीटेड सर्च फॉर अ बेटर ड्रग अमंग द अवेलेबल वन. तो मतलब एक ही अगर हमारे पास बीमारी है जिसको हमें ट्रीट करना है, एक ही डिजीज़ के अंदर हम फोकस कर रहे हैं, तो हम बार बार थोड़ी ना बुक खोल के देखेंगे, या फिर बार बार थोड़ी ना. हाँ, एक डॉक्टर को हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए, बट सेम चीज़ों को नहीं बार बार पढ़ना चाहिए. तो और डॉक्टर का से टाइम बचेगा, इसलिए वो एक अपना पर्सनलाइज्ड तरीके से पी ड्रग बना लेते हैं. अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज को और समझो. जो पी ड्रग होता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पी ट्रीटमेंट. अब पी ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? पी ट्रीटमेंट होता है कि पर्सनलाइज्ड चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट जो एक डॉक्टर देता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक पर्टिकुलर पेशेंट को. मतलब वो हर जगह पे, हर पेशेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, हर कंडीशन पे एप्लीकेबल नहीं है. किसी पेशेंट को देखा डॉक्टर ने और उसको उस कंडीशन के साथ में, उस बीमारी में ये लगा कि उसको वो ड्रग दे देनी चाहिए, तो हमने उसको बोल दिया कि वहाँ उसने पी ट्रीटमेंट दिया है. सो द फिजिशियन मे चूज अ ड्रग बाय कंपेयरिंग द एफिकेसी, सेफ्टी, सूटेबिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ ड्रग. अब वो हर चीज़ को कंसिडर करता है. जब भी एक फिजिशियन डिसाइड करने बैठता है पी ड्रग को, तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर के लिए क्या होता है कि जो वो एक दवाई दे रहा है उसकी वजह से उसका इफेक्ट आना चाहिए और बीमारी में फ़र्क पड़ना चाहिए. अगर उस बीमारी में फ़र्क पड़ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी एफिकेसी. फिर वो देखता है कि वो सेफ़ है या नहीं ड्रग. तो सेफ्टी हम कैसे चेक करते हैं? हम उस ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स देखते हैं कि मतलब उसका कितना रिस्क रेशियो है, मतलब कितने लेवल पे जाके वो टॉक्सिसिटी कर सकती है और कहाँ तक वो सेफ है ड्रग देना, कितनी डोज तक हम उसको दे सकते हैं. फिर सूटेबिलिटी देखते हैं कि एज फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, ओबीस है पेशेंट या नहीं है, वेट वाले फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, साथ में और कोई बीमारी तो नहीं है लाइक कोमॉर्बिडिटीज़, वो सारी चीज़ें भी सूटेबिलिटी में इंक्लूड हो जाती हैं. तो वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है. और कॉस्ट ऑफ ड्रग, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट कि हमको सस्ती दवाई मिले और अच्छी दवाई मिले, तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके एक फिजिशियन अपने लिए वो कुछ पी ड्रग्स बनाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि हम इन सारे फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसको कंसिडर करेंगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा एफिकेसी का रहेगा. क्योंकि एक डॉक्टर के लिए हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको ट्रीटमेंट सही
ही मिलना चाहिए और उस ट्रीटमेंट को सही मिलने के बाद सही रिजल्ट आना चाहिए। अगर उसके बाद उसका बेटर रिजल्ट आ रहा है तो बेशक कॉस्ट ज़्यादा भी हो ड्रग की, बट फिर भी डॉक्टर उसकी एफिकेसी को प्रेफर करेगा, उसकी सेफ्टी को प्रेफर करेगा, क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए। कोई भी जब हम पी ड्रग चूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक पी ड्रग चूज़ करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस को डिफाइन करिए, मतलब सबसे पहले तो पेशेंट की कंप्लेंट्स पूछिए, हिस्ट्री लें, उससे पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री सब कुछ लेके एक डायग्नोसिस बनाओ। उस डायग्नोसिस के बनने के बाद सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा स्पेसिफाई द थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव, कि हम इस पेशेंट के अंदर चाहते क्या हैं, हमारा मेन एम क्या है। फिर हमारे पास जो थर्ड चीज़ रहेगी वो रहेगी मेक अ लिस्ट ऑफ इफेक्टिव ग्रुप ऑफ ड्रग्स। फिर हम चूज़ करेंगे कि हमने ये ऑब्जेक्टिव और ये डायग्नोसिस बन गया, उसके बाद हमारे पास और कौन कौन सी दवाई हैं इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। अब बुखार को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी नहीं है ना सिर्फ एक ही मेडिकेशन हो, या किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उसको ज़रूरी नहीं है एक ही दवाई है, या जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट दवाई है। तो हर पेशेंट पे हर दवाई सूट नहीं करती, ऐसे ही हर पेशेंट को कंसीडर करके एक डॉक्टर दवाई देगा। तो इसलिए हम उस सारे ग्रुप्स को कंसीडर करेंगे, फिर उसमें से एक पी ड्रग चूज़ करेंगे। चूज़ एंड इफेक्टिव ग्रुप बाय कंपेयरिंग द एफिकेसी, सेफ्टी, सूटेबिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली। और लास्ट स्टेप हमारा रहेगा चूज़ अ पी ड्रग फ्रॉम द इफेक्टिव ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस। तो पहले हम एक पूरा का पूरा ग्रुप चूज़ करेंगे कि जो इसके लिए इफेक्टिव होना चाहिए ट्रीटमेंट में, फिर उसमें से हम एक ड्रग को चूज़ करेंगे जो पी ड्रग बन जाएगी। ठीक है, तो अभी हो सकता है ये वाली चीज़ तुमको ये स्टेप्स ज़्यादा क्लियर नहीं हुए हो, बट हम आगे जो एग्जाम्पल समझने वाले हैं उसके थ्रू तुम्हें ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। सो रिमेंबर दैट अ पी ड्रग इज़ अ ड्रग विच इज़ रेडी फॉर द एक्शन। अब चलो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया। हमने किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया कि हमने बोला था कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा डिफाइन द डायग्नोसिस। तो हमने एग्जाम्पल लिया स्टेबल एंजाइना का। तो कोई पेशेंट सपोजिंगली 40 ईयर्स ऑफ एज, मेल, उसका इतना वेट, इतना हाइट, और वो हमारे पास आता है कि चेस्ट पेन लेके। तो सारी हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद, उसके साइन सिम्टम्स के बाद हम एक डायग्नोसिस बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं स्टेबल एंजाइना का। ठीक है, अब जब हमने डायग्नोसिस बना लिया देन वी have to specify the therapeutic objective. अब therapeutic objective इस केस में क्या रहने वाला है? सबसे पहली चीज़ कि जो stable angina वाला patient है उसको क्या चाहिए कि pain हो रहा है उसको, जो chest pain की वजह से हमारे पास आए। तो basic objective क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? अब वो ये जो patient है ये angina का है, तो इस केस के अंदर हमको अगर हमारे पास basic knowledge है तो हम उससे ये बोल सकते हैं कि इस patient के अंदर या तो हम increase कर देंगे oxygen supply को, या फिर हम डिक्रीज़ कर देंगे ऑक्सीजन की डिमांड को। तो दो चीज़ों के थ्रू हम एंजाइना को क्योर कर सकते हैं, राइट? तो दो चीज़ें क्या रहेंगी कि या तो ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा दो या फिर ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दो। अब एक चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि अगर वो चेस्ट पेन के साथ है और उस आर्टरी के अंदर स्टिनोसिस हो रखा है तो वो तो खुलेगी नहीं, मतलब स्टिनोसिस का मतलब तो वहाँ पर ना वो ब्लॉक हो गई है। तो अगर वो और सिकुड़ गई है तो वो ओपन नहीं होने वाली। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कि वी शुड डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड, राइट? तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, क्योंकि दूसरा स्टेप हमने यहां पर पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या सीखना है यहां पर कि उसने बोला कि मेक अ लिस्ट। अब ये लिस्ट किस चीज की बना रहे हैं कि जो भी हमें लग रहा है कि बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है जो इस पेशेंट के अंदर हम दे सकते हैं। अगर हमारे पास एक पेशेंट आया स्टेबल एंजाइना का तो हम तीन फॉर्म से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या हम उसको नाइट्रेट्स दे सकते हैं, दूसरा हम उसको बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, तीसरा हम उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। ठीक है, इस वे से हम एक एंजाइना के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, बट इन तीनों में से कौन सा ग्रुप बेटर है ये अब हम आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमें क्या चूज़ करना है, वी हैव टू चूज़ अ इफेक्टिव ग्रुप By comparing the efficacy, safety, suitability and the cost of treatment. अब हम ये देखेंगे कितनी efficacious है। ठीक है, उसके बाद हम ये choose करेंगे कि जो drug जल्दी से जल्दी काम कर सके, क्योंकि angina का patient आया, right? तो angina वाला chest pain का patient है, हमें उसको stable करना है।
उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। अगर हम नाइट्रेट्स की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका ये रहता है कि दीज डिक्रीज द प्रीलोड और आफ्टर लोड, ये दोनों चीज़ों को कम कर देते हैं। जबकि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं और जो CCBs होते हैं दे ऑल्सो डिक्रीज द प्रीलोड, बट वो साथ में हार्ट रेट पर भी इफेक्ट डालती हैं और आफ्टर लोड पर भी, ठीक है। तो एडिशनल इफेक्ट हो जाएगा बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। हम यहाँ पर नाइट्रेट्स क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको सबलिंगुअली देते हैं। अब ये वाला अगर तुमने लेक्चर सुना है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में सबलिंगुअल रूट के अंदर बात करी थी और वहाँ पर भी हमने नाइट्रेट्स का एग्जाम्पल दिया था। अगर तुमने नहीं सुना तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से तुम उस लेक्चर को भी सुन सकते हो। अभी के लिए यहाँ पर ये समझो जो नाइट्रेट ग्रुप ऑफ ड्रग है ये हम सबलिंगुअली देते हैं। अब अगर हम कोई ड्रग सबलिंगुअली दे रहे हैं तो उसका ये मतलब होता है कि हम वहाँ पर अवॉइड करना चाहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। अब फर्स्ट पास इफेक्ट भी हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स पे। तो ये जो दोनों ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं इंजेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ लिया, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ग्रुप ऑफ ड्रग्स का समझ लिया। अब हम ये देख लेते हैं वो कितनी सेफ हैं। तो अब यहाँ पर सारों के साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि कौन सा ग्रुप क्या साइड इफ़ेक्ट कॉज कर सकता है। अगर हम नाइट्रेट्स की बात करें तो दीज कॉज हेडेक, टैकीकार्डिया एंड फ्लशिंग। जबकि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं दीज कॉज हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, एवी ब्लॉक, ये सब कॉज कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दीज कॉज टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, एवी ब्लॉक, राइट। तो साइड इफेक्ट सबसे कम किस ग्रुप के अंदर दिख रहे हैं हमें, नाइट्रेट्स के अंदर, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं और CCBs हैं इनके ऑलमोस्ट सेम साइड इफेक्ट्स हैं, बस ये एवी ब्लॉक तक भी करा रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे माइल्डर वाला चूज करेंगे क्योंकि हमें साइड इफेक्ट्स भी प्रिवेंट करने हैं पेशेंट के अंदर। अब हम इसमें सूटेबिलिटी देखते हैं। अब सूटेबिलिटी का ये भी तो मतलब है ना कि अगर मान लो पेशेंट एक फैक्ट्री में काम करता है या फिर वो अपने ऑफिस में है या अपने घर पर है, उसको अचानक से चेस्ट पेन हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी समय हॉस्पिटल आ सके। और अगर मान लो वो हॉस्पिटल भी आना चाहता है, आ भी जाए, तो हम कभी भी ये प्रेफर नहीं करते हैं कि कोई भी ड्रग वो लॉन्ग टर्म में दिया जाए जिसमें पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल आना चाहिए। तो सूटेबल कौन सा ड्रग होता है, वही वाला ड्रग होता है जो पेशेंट अपने घर पर आराम से खुद से ले सके। तो हमारे पास सबसे सूटेबल इस समय कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फिर नाइट्रेट्स वाला, क्योंकि ये सबलिंगुअली दिए जा सकते हैं। अब कंपेयर कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अब जो सब सारे जो तीनों ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं इसमें से सबसे ज्यादा चीपेस्ट कौन है, नाइट्रेट्स हैं। बाकी दोनों के दोनों वो थोड़े कंपैरेटिवली कॉस्टली ड्रग्स हैं, ठीक है। अब हमने सारा कुछ पता कर लिया, हमने सारी मेजर्स देख लिए जो हमें लग रहा था कि हम कौन कौन से मेजर्स पे एक्ट कर सकते हैं। अब हमें चूज़ करना है पी ड्रग को। तो अब तक हमने तीन ग्रुप्स के बारे में बात करी थी, अब उन तीन ग्रुप्स में से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में से और नाइट्रेट्स में से और बीटा ब्लॉकर्स में से हमने सिर्फ एक ग्रुप को चूज़ करा है, वो है नाइट्रेट्स, ठीक है। जो नाइट्रेट्स को हमने क्या करा, प्रेफर कर दिया, हमें लगा कि ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है हमारे पास क्योंकि इसमें सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं और सबसे ज़्यादा बेनिफिट हैं। अब जो नाइट्रेट्स होते हैं उसके अंदर भी तो कुछ ड्रग्स होंगे ना, तो नाइट्रेट इज़ अ प्रॉपर ग्रुप। अब उसके अंदर इंडिविजुअल ड्रग्स होंगे और पी ड्रग क्या होता है, एक इंडिविजुअल ड्रग है, ना कि वो एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला ड्रग है वो GTN है, जिसको हम नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। दूसरा आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, तीसरा आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। अब इन तीनों ड्रग्स में से फिर हम चेक करेंगे सेफ्टी, एफिकेसी, सूटेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस, है ना। तो अब इनमें से फिर चूज करा जाएगा और फिर एक ड्रग निकलेगा जिसको हम पी ड्रग डिफाइन कर देंगे या चूज कर लेंगे। अब इनमें क्या हुआ कि हमने चेक करा कि ये सारे के सारे नाइट्रेट्स हैं, तो सारे के सारे सबलिंगुअली दिए जाएंगे। अब इन तीनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सेफ्टी के अंदर भी नहीं, एफिकेसी में भी नहीं, सूटेबिलिटी पे। तो सारी की सारी कंसंट्रेशन जो एंड में हमारी रह जाएगी कॉस्ट पे। तो अब कॉस्ट के अंदर सबसे सस्ता कौन सा है, GTN, सबसे सस्ती दवाई कौन सी है, GTN। तो पर्टिकुलरली इस केस के अंदर जो स्टेबल एंजाइना का केस था, तो हमारा जो प्रेफर्ड पी ड्रग है दैट इज GTN, राइट, दैट इज़ नाइट्रोग्लिसरीन, जो हमने इस पेशेंट के अंदर हम प्रेफर करने वाले हैं या हमने अब तक जो पूरे एग्जाम्पल में समझा उसका ये है। तो इस तरह से हम ओवरऑल एक P
पी ड्रग को चूज करते हैं जो पर्सनलाइज ड्रग होती है। तो अब तक हमने सारा पी ड्रग के बारे में समझ लिया, बट जो पी ड्रग है इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पी ड्रग को। ये तो नहीं ज़रूरी है कि एक डॉक्टर ने एक पर्सनलाइज ड्रग कर लिया तो उसके बाद वो कोई और ड्रग नहीं दे सकता। तो ये पेशेंट पे डिपेंड करेगा, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि पी ड्रग चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जैसे वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एक डॉक्टर को लगेगा कि अब उसका पी ड्रग चेंज करना चाहिए। तो जो फर्स्ट फैक्टर रहेगा हम उस केस के अंदर रहेगा रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस टू द ड्रग। अगर मान लो एक डॉक्टर ने GTN दिया बट मान लो एक पेशेंट को नाइट्रेट्स वाले पूरे ग्रुप से ही रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए तो वो किसी काम का नहीं है ड्रग। तो इसलिए फर्स्ट फैक्टर हो गया रेजिस्टेंस। ऐसे ही जो सेकंड फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा उस पेशेंट की कोमॉर्बिड कंडीशन। मान लो मेरे पास कोई पेशेंट आता है, उसको साथ में हमने एंजाइना तो ट्रीट करना ही करना है, साथ में हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम है। तो हम अगर साथ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं तो सारों के साथ में ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रग हर सिचुएशन में काम आएगी जो हमने चूज़ कर रखी है। तो अकॉर्डिंग टू द कोमॉर्बिड कंडीशंस ऑफ द पेशेंट वी नीड टू चेंज द पी ड्रग। एक और चीज़ हो सकती है, जैसे ये तो हो गया हमारा कोमॉर्बिड, अगर कोमॉर्बिडिटी है तो हम ये वाला चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा थर्ड फैक्टर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि न्यू जनरेशन, न्यू ड्रग। अगर तो जो एक पी ड्रग है वो भी चेंज होती रहती है डॉक्टर के साथ साथ, जैसे जैसे साइंस एडवांस करती है, न्यू ड्रग्स मार्केट में आती हैं, वैसे वैसे डॉक्टर को अपनी पी ड्रग की लिस्ट चेंज करते रहनी होती है। तो जैसे ही उसको कोई न्यू ड्रग मिलेगी जो ज़्यादा एफिकेशियस है या ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, तो एक डॉक्टर उसको कहीं पर भी चेंज कर सकता है। तो ये बेसिक हमारे फैक्टर्स हो गए जो इफ़ेक्ट करेंगे एज इफ़ एक पी ड्रग को चूज़ करने में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हमारी पी ड्रग के बारे में। ऐसे ही दो तरह से और ड्रग्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं, एक होता है असेंशियल ड्रग्स और एक होते हैं ऑर्फन ड्रग्स। असेंशियल ड्रग्स कौन से होते हैं? दीज आर द ड्रग्स जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, मतलब वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए वो हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में रहने चाहिए और उनकी कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, मतलब हर डोजेज फॉर्म भी रहनी चाहिए। असेंशियल ड्रग्स ये हर प्लेस, हर जगह, हर लोकेशन के हिसाब से वैरी कर सकती है। एक हॉस्पिटल के असेंशियल ड्रग्स की लिस्ट अलग हो सकती है, या एक कंट्री की लिस्ट अलग हो सकती है, एक स्टेट की लिस्ट अलग हो सकती है। तो ये डिफरेंट गाइडलाइंस के थ्रू हमें पता लगता रहता है और फिर हम हमारे लिए जो असेंशियल ड्रग्स हैं हम उन्हें चूज़ कर लेते हैं जो हमारी पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा, जो हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा यूज़फुल हैं और जो यहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझ लो कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है और जो पर्सनल ड्रग है, क्या ये सेम है या डिफरेंट है? दे बोथ आर डिफरेंट, राइट। जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को देख के दी गई है, बट जो पी ड्रग है वो एक पर्सनल ड्रग है जो एक डॉक्टर ने अपनी नॉलेज के हिसाब से अपने सूटेबिलिटी ऑफ द पेशेंट्स को देखकर, जो उसके पास मैक्सिमम पेशेंट्स आ रहे हैं उसको देखकर उसने एक पर्सनलाइज्ड लिस्ट बनाई है या पर्सनलाइज्ड ड्रग बनाया है कि ये वो दे सकता है। इट इज़ नेवर एज सेम एज द ड्रग ऑफ चॉइस, राइट। सो या दैट वॉज इट फॉर टूडेज लेक्चर। अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और ऐसे ही तुम्हें और फार्माकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस सुनते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू, बाय बाय।